राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रोहित बाल्मीकि के नेतृत्व में जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करते हुए बाल्मीकि समाज पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि जिला संबल में खादरबाद काली मंदिर के पुजारी द्वारा बाल्मीकि समाज का उत्पीड़न किया गया। ज्ञापन में मंदिर के पुजारी पर आरोप लगाया गया है कि एक बाल्मीकि परिवार को मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने से रोका गया और पंडित द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जिला बरेली निवासी विशाल भारती अपने परिवार के साथ ग्राम खादरबाद जिला संबल में स्थित काली माता के मंदिर गए थे, जहां मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर परिसर में घुसने से रोका गया और जाति पता लगने पर अभद्र व्यवहार किया गया। बाल्मीकि परिवार द्वारा विरोध करने पर मंदिर के पुजारी द्वारा मारपीट और धक्का मुक्की शुरू कर दी गई। बाल्मीकि परिवार का कहना है कि पूरी घटना को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया गया है। अतः ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत यह मांग करता है कि मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में आकाश, अनिल जोनी, राम अख्तार राणा, संजय कुमार, अनिल कुमार, राजू आदि लोग मौजूद रहे। भैया क्या नाम है आपका, किस पद पर है आप? मैं राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग भारत का जिला अध्यक्ष मुरादाबाद हूँ और मेरा नाम रोहित बाल्मीकि है। आज डीएम को ज्ञापन दिया गया है, किस संबल में दिया गया है? जिला संबल में एक खादराबाद जगह है जहाँ पर काली माता का मंदिर है, वहाँ पर हमारे विशाल वाल्मीकि जो बरेली निवासी हैं वो अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने गए थे, तो वहाँ पर जो पंडित लोग हैं उन्होंने ना तो उनको पूजा करने दी गई और उनका वाल्मीकि पता चलते ही उनको अधभरता की गई है, जाति सूचक शब्द कहे हैं उनसे और उनको वहाँ पर धक्के देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे करते हुए कि उन्होंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वायरल भी हो रही है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करने आए हैं माननीय डीएम साहब के माध्यम से कि ऐसे लोगों को ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो से और ऐसी बातों से पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे देश का जो है नाम भी खराब हो रहा है।